हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बेंगलोर का इस्कॉन टेंपल दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये राजा जी नगर में है और आप अगर बाई बस आना चाहते हैं राजा जी नगर, तो आप मैजिस्टिक का जो बस स्टैंड है वहां से आप बाई बस आ सकते हैं और वहां से आप कैब या ऑटो भी कर सकते हैं। आपको ओनली 20 to 25 मिनट्स लगेंगे अगर जाम नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, आप अगर हमारे चैनल पर नई आई हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस्कॉन टेंपल आ गए हैं। ये बाइक पार्किंग है, यहाँ पर हम अपनी बाइक को पार्क कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम मंदिर में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर आपकी फुटवेयर कलेक्ट की जाती है। आपको 5 rupees पर पेयर देना होता है और अगर आप फ्री करना चाहते हैं वो भी फ्री हो जाता है। और अब हम ये जा रहे हैं मंदिर की तरफ। यहाँ पर नल लगा हुआ है, उसमें आप अपने पैर धुल सकते हैं। देखिएगा, मंदिर दिखने लगा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और गौर पूर्णिमा को काफी भीड़ होती है। काफी अच्छा समारोह यहाँ पर मनाया जाता है इसका, क्योंकि यहाँ पर श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति है और उन्हीं की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, ये मंदिर 1997 को बना था और जो इसका मैन टेंपल है इस्कॉन टेंपल, वो मथुरा में है। आप अगर वहाँ जाना चाहते हैं मथुरा में, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और ये भी बहुत अच्छा बनाया गया है इस्कॉन टेंपल। फ्रेंड्स, इसका जो टाइमिंग है मंदिर का, वो सुबह 4:30 बजे से ओपन हो जाता है और 5:30 बजे तक। उसके बाद ये आप का 7:15 से फिर से ओपन होता है और दोपहर के 1 बजे तक ओपन रहता है। उसके बाद 1 से 4:15 बजे तक ये बंद रहता है। उसके बाद ये 4:15 पे ओपन होके 8:30 बजे ये क्लोज हो जाता है। फ्रेंड्स, ये सार्वजनिक उत्सव पे पूरे समय खुला रहता है। और आप अगर बेंगलोर आते हैं तो इस्कॉन टेम्पल को जरूर देखिएगा, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा। काफी अच्छा ये टेम्पल बनाया गया है। फ्रेंड्स, आप अगर बाई मेट्रो आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। आप मैजिस्टिक से मेट्रो पकड़ सकते हैं इस्कॉन टेंपल के लिए।
फ्रेंड्स, ये मंदिर का मेन एंट्रेंस आ गया है। यहाँ पर मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हमने ये फोटो बाहर से ली है। फ्रेंड्स, आप एक बार जरूर देखिएगा आके, काफी अच्छा आपको ये टेम्पल लगेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी बुक स्टॉल लगी है और बहुत सारी शॉप्स हैं और छोटी मूर्तियाँ हैं, और आप पे जो कुछ भी लेना चाहते हैं यहाँ पर आप खाने के लिए भी कुछ ले सकते हैं। यदि आपको कुछ खाना है तो कई वैरायटी का खाना आपको मिलेगा यहाँ। यहाँ पे काफी अच्छे फोटो फ्रेम भी मिल रहे हैं और बच्चों के लिए भी काफी अच्छा सामान है। ये राधा कृष्ण की मूर्ति है यहाँ पे, ये छोटे बच्चों के लिए ड्रेस है राधा कृष्ण की। यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल लगी हैं ये, तो आपको यदि कुछ पसंद आता है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर ये खाने का भी है स्टॉल, और आप जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। हमने भी यहाँ पे खाया था, हमने यहाँ पे दही बड़ा और लड्डू और फ्रेंच फ्राइज खाए थे, तो काफ़ी अच्छे लगे थे, काफ़ी अच्छा स्वाद था, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ये प्रसादम में आ गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्रसाद बट रहा है, तो यहाँ पर डेली फ्री प्रसाद बांटा जाता है और ये खिचड़ी का प्रसाद रहता है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा आपको ये प्रसाद लगेगा। और अब हम फ्रेंड्स अपने घर के लिए जा रहे हैं, काफ़ी रात हो गई है और रात के समय में ये टेम्पल कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, देखिएगा आप। और तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।